ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है। जैसा कि आज मुजफ्फरनगर और मेरठ में उनका दो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम निर्धारित था, जो कि एक मुजफ्फरनगर में 1 बजे का कार्यक्रम था, वहीं मेरठ में 3 बजे का कार्यक्रम था, जो कि वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मेरी हेलीकॉप्टर को अभी भी किसी कारण बताए बिना दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। तो ये अखिलेश यादव का कहना है कि मेरे हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर में नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी PC थी आज मुजफ्फरनगर में और उसके बाद उनकी मेरठ में 3 बजे जयंत चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यही कारण है कि अखिलेश यादव ये ट्वीट करके अपना जिक्र कर रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली से उड़ने नहीं दिया जा रहा है, जबकि BJP के एक शीर्ष नेता अभी मुजफ्फरनगर से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा हुआ है। तो ये है वो खबर। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।